नामवर मुसन्निफ ए हमीद साहब का लिखा हुआ खौफ और दहशत में डूबे हुए नावल भयानक नगरी की आखिरी किस्त पेश खिदमत है। भयानक नगरी लास्ट एपिसोड। फिर भी कादम्बरी डरते डरते उनके बहुत करीब आकर रुक गई। डायनों को अब भी वो नजर नहीं आ रही थी। कादम्बरी उनके दायरे के अंदर आ गई। उसने अपनी शक्ति की मदद से दायरे के अंदर जमीन पर निगाह डाली। उसे एक जगह जमीन में दफन पीतल की गड़वी नजर आ गई। कादम्बरी को जमीन खोदने की जरूरत नहीं थी। स्वामी जी ने उसे हिदायत की थी कि पीतल की गड़वी बाहर निकालने से पहले शक्ति मंत्र पढ़कर अपने ऊपर ज़रूर फूंक लेना, क्योंकि जैसे ही तुम पीतल की गड़वी को हाथ लगाओगी तुम पहरेदार डायनों को दिखाई देने लगोगी और वो डायने उसी वक्त तुम्हें दबोच कर तुम्हारी बोटियाँ उड़ा देंगी। चुनाचे कादम्बरी ने फौरन शक्ति मंत्र पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक दिया। इसके बाद जहाँ ज़मीन के नीचे उसे शहरियार की राख वाली पीतल की गड़वी नजर आ रही थी उस जगह उसने अपना हाथ अंदर डाल दिया। पीतल की गड़वी से 2 इंच पीछे उसने अपना हाथ रोक लिया। उस पर एक बार फिर खौफ सारी हो गया। वो सोचने लगी कि अगर पीतल की गड़वी को हाथ लगाते ही शक्ति मंत्र का असर ख़त्म हो गया तो वो डायनों को नजर आ जाएगी और फिर उसका जो इबरतनाक अंजाम होगा। वो उसको सोचकर ही कांप उठी। शक्ति मंत्र का सर स्वामी जी के कहने के मुताबिक अग्नि डायन के महाकाले जादू के हिसार में जाने के बाद किसी भी वक्त खत्म हो सकता था। कादम्बरी के पास सोचने और डरते रहने का वक्त नहीं था। उसने जल्दी से पीतल की गड़वी को पकड़कर जमीन से बाहर निकाल लिया। कुछ नहीं हुआ था। सातों डायने उसी तरह साकेत खड़ी दायरे की शक्ल में पहरा दे रही थी। उनकी पीठ कादम्बरी की तरफ थी। कादम्बरी ने जल्दी से पीतल की गड़वी का ढक्कन खोलकर अंदर देखा। गड़वी की तय में सफ़ेद राख बैठी हुई थी। राख के ऊपर धुएँ की सफ़ेद लहर सांप की तरह हरकत में आ गई। कादम्बरी ने गड़वी के साथ मुंह लगाकर अंदर की तरफ सांस खींचा। धुएँ की सफ़ेद लहर उसके जिस्म में दाखिल हो गई। उसने मुंह हटाकर गुड़वी में देखा। गुड़वी के अंदर से धुएँ की लहर गायब हो चुकी थी। इसका मतलब था कि शहरियार उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो गया था। उसने गड़वी को वापस ज़मीन के अंदर रखा और उठकर खामोशी से सातों डायनों के दायरे में से बाहर निकल आई। अपने दोस्त और महबूब शहरियार के हेवले को अपने जिस्म के अंदर लिए कादम्बरी 7 डायनों के घेरे से निकलकर जैसे ही गार की तरफ बढ़ी अचानक शक्ति मंत्र का असर ख़त्म हो गया। कादम्बरी को एक हल्का सा झटका लगा और वो उसी वक्त समझ गई कि जिस बात का उसे डर था वो हो गई है। जब उसने अपने पीछे 7 डायनों की एक साथ बुलंद होने वाली दहशतनाक चीखें सुनी तो उसे यकीन हो गया कि उल्टे अष्टमी मंत्र का असर ख़त्म हो गया है और उन डायनों ने उसे देख लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सातों की सातों डायने हवा में गोता लगाकर बहुत बड़ी खूनखार चमगादड़ों की तरह उस पर झपटी। उन्होंने कादम्बरी को देख लिया था और उन्हें यह भी पता लग गया था कि वो उनकी रानी डायन के दुश्मन को ज़मीन में से निकाल कर ले जा रही है। जैसे ही डायनों ने उस पर हमला किया कादम्बरी ज़मीन से एकदम बुलंद होकर गार की छत के साथ लग गई। डायने वहशियाना चीखें मारती अपने खूनी दांत बाहर निकाले बाजुओं को फिड़फिड़ाती फौरन उड़ान भरकर छत की तरफ लपकी। लेकिन इस दौरान कादम्बरी गोता लगाकर गार में आगे की तरफ निकल गई थी। डायने डरावनी आवाज़ें निकालती कादम्बरी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए उस पर झपटी। कादम्बरी अपनी शक्ति के ज़ोर से जितनी तेज़ उड़ सकती थी गार की तारीकी में उड़ रही थी। वो गार में से निकल जाना चाहती थी मगर जब वो गार के दहाने पर पहुंची तो सामने से 2 और डायने जो अपनी साथी डायनों की चीखों पुकार सुनकर वहाँ आ गई थी अचानक कादम्बरी के सामने आ गई। कादम्बरी अभी तक अंधेरी और तंग गार के अंदर ही थी। वो उछलकर गार की छत की तरफ गई लेकिन तीनों डायनों ने नीचे से उसकी टांगें पकड़कर उसे ज़ोर से नीचे की तरफ खींचा। कादम्बरी अगर बदरू के रूप में न होती तो उसकी दोनों टांगें उसके जिस्म से अलग हो गई होती। लेकिन इस झटके से कादम्बरी संभल न सकी और उन डायनों ने जिनकी तादाद अब 9 हो गई थी कादम्बरी को चिमट कर उसे काबू में कर लिया। उन डायनों के स्याफाम जिस्मों से आग के शोलों ऐसी नाकाबले बर्दाश्त तपिश निकल रही थी। इस तपिश में महाकाले जादू की लहरें भी थीं जिन्होंने कादम्बरी के जिस्म के साथ लिपटकर उसे बेबस कर दिया था। वो उसी हालत में कादम्बरी को काले पहाड़ के गार की फिजा में खींचती हुई दूसरे और दूसरे गार से तीसरे गार में ज़मीन के नीचे ले गई।
वहां महाकाले जादू की अग्नि डायन एक हाथ में तीन नोकीले खंजरों वाला त्रिशूल और दूसरे हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ी अपनी अंगारा आंखों के शोले बरसाती चिंगारियां उड़ाती गजबनाक होकर खड़ी थी। डायनों ने नीम बेहोश कादंबरी को बड़ी डायन के आगे डाल दिया और कहा, यह तुम्हारे शिकार चुरा कर भाग रही थी, हम उसे पकड़ कर ले आए हैं। अगर तुम हुक्म करो तो हम अभी इसको टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। अग्नि डायन ने एक दिलदोज चीख के साथ कहा, तुम नहीं, मैं खुद इसके टुकड़े करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं इसके जिस्म में छुपे हुए जादूगरनी कुंडली के दुश्मन को निकालकर अपने कब्जे में करूंगी। कादंबरी का जिस्म डायनों के जिस्मों से निकलने वाली लहरों की तपिश और उनके काले जादू से अगरचे अधमुआ सा हो रहा था, मगर वो अपने होश में थी। उसने एक बार फिर शक्ति मंत्र पढ़ा, मगर उसका कोई असर न हुआ। अग्नि डायन ने तलवार वाला हाथ आगे बढ़ाकर बुलंद किया कि एक ही वार से कादंबरी के जिस्म के दो टुकड़े कर दे, कि कादंबरी को एक बार फिर झटका लगा और वो उस झटके के असर से फर्श से 10 फीट ऊपर की तरफ उछल गई। उसने गार की छत के साथ लगे लगे नीचे देखा कि अग्नि चुड़ैल इंतहाई घबराहट की हालत में इधर उधर ऊपर नीचे हवा में तलवार चला रही है और चीख चीख कर कह रही है, वो भाग कर कहीं नहीं जा सकती, यहीं कहीं होगी, उसे ढूंढो, उसे काबू में करो। उस लम्हे तो डायने भी हवा में उछलकर बुलंद हो गई और दीवानवार गार की फिजाओं में गर्दिश करके कादंबरी को तलाश करने लगी। वो कई बार कादंबरी के जिस्म के साथ लग कर और एक बार उसके जिस्म की गायब लहरों के अंदर से होकर निकल गई, मगर उन्हें कुछ मालूम न हो सका कि वो जिसकी तलाश में सरगर्दा हैं उसी के जिस्म से गुजर गई हैं। कादंबरी ने आंखें बंद करके भगवान का शुक्र अदा किया था, क्योंकि उसके शक्ति मंत्र का असर अचानक वापस आ गया था और वो उन अग्नि डायनों की निगाहों से गायब हो गई थी। कादंबरी अब वहाँ 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी। वो बर्क रफ्तारी से प्रवास करती काले पहाड़ के उस मनहूस गार से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने अपना रुख कैलाश पर्वत की तरफ कर लिया। वो तूफानी रफ्तार के साथ जा रही थी। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे अग्नि डायने कहीं दिखाई न दी। उस पर शक्ति मंत्र का असर मौजूद था, जिसकी वजह से उसके ताकुब में निकली हुई डायने उसे नहीं देख सकती थी और फिजा में किसी दूसरी तरफ उसे तलाश करती फिर रही थी। कादंबरी आनन फानन कैलाश पर्वत पहुँच गई। शहरियार उसके जिस्म के अंदर धुएं की पतली लहर की शक्ल में मौजूद था, मगर उसे कोई होश नहीं था कि वो कहाँ है और किस हाल में है। कादंबरी जिस वक्त स्वामी जी की गुफा में आई, स्वामी जी गुफा में मौजूद थे। उन्होंने कादंबरी को देख लिया था। गुफा में दाखिल होते ही कादंबरी को एक बार फिर हल्का सा झटका लगा और शक्ति मंत्र का तिलिस्म खत्म हो गया। कादंबरी अब भी गायब थी, लेकिन अब वो अपनी असली हालत में गायब थी, जिस हालत में उसे शहरियार और दूसरी बदरूहें देख सकती थीं। कादंबरी ने स्वामी जी को हाथ बांधकर प्रणाम किया और बोली, स्वामी महाराज, आपके आशीर्वाद से मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ। स्वामी जी बोले, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे जिस्म के अंदर तुम्हारे प्रेमी शहरियार को देख रहा हूँ। कादंबरी ने कहा, महाराज, अब इसे अपनी असली हालत में वापस ले आइए, ताकि मैंने उसके साथ अनजाने में जो ज्यादतियाँ की हैं उनकी माफ़ी मांग सकूँ और मेरे ज़मीर को सुकून मिले। स्वामी जी बोले, मेरे सामने बैठ जाओ। कादंबरी स्वामी जी के सामने बैठ गई। स्वामी जी ने वेदों का एक श्लोक बोलना शुरू किया। कुछ देर वो श्लोक बोलते रहे, फिर कादंबरी के जिस्म पर फूंक मारी और कहा, शहरियार, कादंबरी के बदन से बाहर निकल आओ। उसी वक्त कादंबरी के जिस्म में से सफ़ेद धुएं की एक लहर बाहर निकलकर उससे अलग हो गई। स्वामी गुंधरो ने एक दूसरा श्लोक पढ़कर शहरियार की धुएं की सफ़ेद लहर पर फूंका और शहरियार अपनी असली इंसानी शक्ल में वापस आ गया। शहरियार ने चौंक कर अपने आसपास देखा और स्वामी जी से पूछा, मैं कहाँ हूँ? तब उसने कादंबरी को अपने साथ बैठे देखा तो उसे सब कुछ याद आ गया कि उस औरत ने उसे करीहुल मंजर शंकर राव के हवाले कर दिया था। अगरचे बौने गुंधरों ने शहरियार को बता दिया था कि कादंबरी उससे बेपनाह प्रेम करती है और ये सब कुछ उससे अनजाने और मजबूरी की हालत में हुआ था और वो अपने किए पर पछता रही है, फिर भी शहरियार का दिल कादंबरी की तरफ से अभी साफ नहीं हुआ था। उसने कादंबरी से मुखातिब होकर कहा, कादंबरी, तुमने मेरे साथ जो दुश्मनों वाला सलूक किया था, मैं उसे कभी नहीं भुला सकूंगा।
कादंबरी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे सब कुछ मजबूरी में हुआ, मैं उस पर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए वही मोहब्बत और प्रेम है जो उस वक्त अपने आप हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार जेहलम की पहाड़ियों के आसेबी मंदिर के खंडरों में देखा था, जब मैं मनहूस शंकर राव के सामने रक्स कर रही थी। शहरियार खामोश हो गया। स्वामी जी बोले, बेटा, कादंबरी तुमसे प्रेम करती है, उसने अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें कुंडली जादूगरनी की कैद से निकालकर अपने गुनाह का प्रायश्चित कर लिया है, ये तुम्हारी सच्ची दोस्त और हमदर्द है। शहरियार ने कादंबरी की तरफ देखा, वो भी उससे मोहब्बत करता था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। फिर शहरियार ने स्वामी गुंधरू से कहा, स्वामी जी, मेरी मुसीबतें और मेरा कष्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं देख रहा हूँ कि अगरचे मैं अपने मुकम्मल इंसानी जिस्म में वापस आ गया हूँ और मेरी याददाश्त भी वापस आ चुकी है, लेकिन मैं अभी तक एक हैवले की शक्ल में हूँ। मुझ पर अभी तक उस मनहूस शंकर राव के काले जादू का असर है। मैं इस काले जादू के तिलिस्म को तोड़कर अपने वतन पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं कुंडली जादूगरनी को हमेशा के लिए ख़त्म करना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि वो मुर्दों को मंत्र फूंक कर जिंदा करने का अमल दोबारा ना कर सके, क्योंकि ये कुदरत के निज़ाम में दखलंदाजी है। अगरचे उसका जिंदा किया हुआ मुर्दा कुछ देर के बाद मर जाता है और वो उसे खा जाती है, फिर भी मुर्दा जिंदा ज़रूर हो जाता है, जो निज़ाम कुदरत के खिलाफ बगावत है। स्वामी जी बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा है शहरियार, मैं खुद इस काले जादू के अमल के खिलाफ हूँ, क्योंकि ज़िंदगी और मौत भगवान के हाथ में है, और अगर कोई मनुष्य इस इख्तियार को जादू के ज़ोर से अपने हाथ में लेता है तो वो कुदरत के काम में दखलंदाजी करके उसे धर्म भरम करने की कोशिश करता है, जो सबसे बड़ा गुनाह है। शहरियार बोला, इसीलिए मैं जादूगरनी कुंडली को ख़त्म करना चाहता हूँ। स्वामी जी बोले, शायद खुदा ने तुम्हें इसीलिए अभी तक एक हैवले की शक्ल में कायम रखा है और तुम्हें इंसानी जिस्म की तमाम इंद्रियां एहसासात नहीं दी, क्योंकि सिर्फ तुम ही उस जादूगरनी को उसके दिल पर हाथ डालकर उसे दोबारा मौत की नींद सुला सकते हो। जादूगरनी कुंडली खुदा की बागी है, जाओ और उसे जितनी जल्द हो सके ख़त्म कर दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। कादंबरी खामोश बैठी स्वामी जी और शहरियार की बातें सुन रही थी। ये इस कदर अहम बातें थीं कि वह इसमें दखल नहीं देना चाहती थी। शहरियार ने कहा, मगर स्वामी जी, मुझे मालूम नहीं कि यह जादूगरनी इस वक्त कहाँ होगी। स्वामी जी बोले, जादूगरनी कुंडली उस वक्त ग्वालियर के एक गाँव में है। ये गाँव शहर के जुनूब में दरिया के किनारे पर है। इस गाँव में एक औरत मर रही है। कुंडली जादूगरनी उसके पास बैठी उसके मरने का इंतज़ार कर रही है कि जैसे ही औरत मरे वो उसे उठाकर जंगल में ले जाए और उस पर अपना मंत्र फूंक कर उसे दोबारा ज़िंदा करके उसे खा जाए। वो मुर्दे को दोबारा ज़िंदा करके इसलिए खाती है कि दोबारा ज़िंदा हो जाने के बाद मुर्दे का आधा खून अभी जमा हुआ होता है और वो उसे इस हालत में खाकर अपना नशा पूरी करती है। जाओ और इससे पहले कि वो एक औरत के मुर्दे की बेहुरमती करे उसे खुद मौत के घाट उतार दो। शहरियार ने पूछा, स्वामी जी, मैं अपने पूरे ज़िंदा इंसानी वजूद के साथ अपने वतन वापस जाना चाहता हूँ, क्या आप इसके बाद मुझे मेरे पूरे इंसानी वजूद में वापस ले आएंगे? स्वामी गुंधरों ने कहा, कुंडली जादूगरनी को हलाक करने के बाद कुदरत का वो काम पूरा हो जाएगा जो वो तुम्हारे हाथों कराना चाहती है, और इसके बाद तुम अपने पूरे इंसानी वजूद में अपनी तमाम इंद्रियों के साथ वापस आ जाओगे, फिर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब जाओ, देर ना करो, वो थोड़ी देर में मर जाएगी। तब कादंबरी बोली, स्वामी महाराज, मैं भी शहरियार के साथ जाऊंगी। स्वामी गुंधरों ने कहा, तुम्हें ज़रूर साथ जाना होगा, क्योंकि जादूगरनी का काम तमाम करने के बाद शहरियार इंसानी वजूद में ज़ाहिर हो जाएगा और फिर तुम्हें उसको अपनी हिफाजत में पाकिस्तान पहुंचाना होगा। जो हुक्म महाराज। कादंबरी ने शहरियार का हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? नहीं, अब नहीं हूँ, शहरियार ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। कादंबरी ग्वालियर शहर के पास दरिया किनारे वाली गाँव को जानती थी। वो उसे अपने साथ लेकर उस गाँव में आ गई। गाँव के बाहर रुककर कादंबरी ने शहरियार से कहा, तुम्हें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा, अगरचे तुम हैवले की शक्ल में गायब हो, मगर जादूगरनी कुंडली तुम्हें देख लेगी,
इसलिए तुम्हें पीछे से एकदम जादूगरनी पर हमला कर देना होगा और अपना हाथ उसके सीने में डालकर उसके दिल को मजबूती से पकड़कर झटका देना होगा। अगर तुमसे जरा सी भूल हो गई और कुंडली जादूगरनी ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें उसी वक्त काबू कर लेगी और वहां मैं भी तुम्हारी कोई मदद न कर सकूंगी। शहरयार बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं इस दफा उसे नहीं छोड़ूंगा। खुदा की मदद मेरे साथ है, मैं कुफ्र और शिर्क के इस निशान को मिटा कर रहूंगा। कादिम्बरी ने कहा, मेरे साथ आओ। गांव के कोने में एक मकान में औरतों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। मकान के बाहर आकर कादिम्बरी कहने लगी, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, मेरा तुम्हारे साथ जाना ठीक नहीं, तुम अकेले जाओगे। शहरयार बोला, ठीक है, और वो मकान में दाखिल हो गया। वो सबको देख रहा था मगर उसे सिवाय जादूगरनी कुंडली के और कोई नहीं देख सकता था। शहरयार ने देखा कि एक कोठड़ी में एक औरत फर्श पर सीधी पड़ी आखिरी सांसें ले रही थी। एक तरफ उसकी रिश्तेदार औरतें बैठी रो रही थीं। जादूगरनी कुंडली भी वहां मौजूद थी और जो औरत मर रही थी उसके बिल्कुल करीब आलती पालती मारे बैठे उसके मरने का इंतजार कर रही थी। जादूगरनी कुंडली भी गायब हालत में थी और उसे सिवाय शहरयार के वहां कोई नहीं देख सकता था। शहरयार को सिर्फ इतनी एहतियात करनी थी कि हमला करने से पहले कहीं जादूगरनी उसे देख न ले। शहरयार जादूगरनी की पीठ की जानेब आ गया और दो औरतों के पीछे होकर बैठ गया। वो हमला करने के वास्ते अपने आप को तैयार कर रहा था। ये हमला उसे अचानक करना था और चश्मे जदन में जादूगरनी के सीने में पीछे से हाथ डालकर उसके दिल को पकड़कर झटकना था। जादूगरनी कुंडली आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे हिल रही थी जैसे अभी से काले जादू का कोई मंत्र पढ़ रही हो। शहरयार देर नहीं करना चाहता था, किसी भी लम्हे जादूगरनी को उसकी मौजूदगी का शक पड़ सकता था। शहरयार बिल्कुल इस तरह आगे को झुककर जादूगरनी कुंडली को देख रहा था जिस तरह शेर अपने शिकार पर हमला करने से पहले बिल्कुल साकित होकर देखता है। और फिर शहरयार गोली की तरह अपनी जगह से उछलकर कुंडली जादूगरनी की तरफ गया और जाते ही उसने अपना हाथ उसकी कमर के अंदर डालकर उसके दिल को पकड़ लिया और पकड़ते ही एक जोरदार झटका देकर उसका दिल उसके जिस्म से बाहर निकाल लिया। लेकिन जादूगरनी कुंडली उसी वक्त मर गई थी जब शहरयार ने उसके दिल को अपनी मुट्ठी में लेकर झटका दिया था। मरते ही जादूगरनी कुंडली का सारा काला जादू खत्म हो गया और जहां वो बैठी थी वहां उसकी जगह जादूगरनी का हड्डियों का पिंजर पड़ा था। ये पिंजर जाहिर हो गया था। उसको देखते ही वहां पर बैठी औरतें चीखें मारती बाहर को दौड़ी। उसी लम्हे मरने वाली औरत ने भी आखिरी सांस लिया और उसका जिस्म साकित हो गया। मकान के अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें बुलंद हुई तो कादिम्बरी समझ गई कि शहरयार अपने मकसद में कामयाब हो गया है। जादूगरनी के मरते ही शहरयार पर भी काले जादू के तमाम मनहूस असरात ख़त्म हो गए थे और वो भी अपने पूरे इंसानी वजूद में वापस आ गया था। औरतों की भगदड़ में वो भी दौड़ता हुआ मकान से बाहर आ गया। कादिम्बरी ने उसे इंसानी वजूद में जाहिर हालत में देखा तो जल्दी से उसकी तरफ गई और बोली, शहरयार क्या हुआ? शहरयार बोला, मैंने जादूगरनी का काम तमाम कर दिया है मगर कादिम्बरी तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। कादिम्बरी ने खुश होकर कहा, मैं तुम्हें इसलिए नज़र नहीं आ रही कि तुम पर जितने भी जादू किए गए थे उन सब का असर ख़त्म हो चुका है। तुम्हें मुबारक हो, अब तुम दूसरे इंसानों की तरह हो, तुम्हें हर कोई देख सकता है। शहरयार कहने लगा, कादिम्बरी इस मनहूस जगह से निकल चलो, तुम मेरे साथ रहना। कादिम्बरी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी शहरयार, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। शहरयार ने कहा। कादिम्बरी ने शहरयार का हाथ थाम रखा था और उसके साथ बल्कि उसे साथ लेकर चल रही थी। शहरयार अपने हाथ में कादिम्बरी के हाथ की हल्की हल्की लर्जिश महसूस कर रहा था। कादिम्बरी कहने लगी, मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मुझे देख सको। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हम दोनों गायब हों और हम दोनों एक दूसरे को देख सकें। शहरयार ने यह सुना तो बोला, नहीं नहीं कादिम्बरी, अब मैं गायब होना नहीं चाहता। खुदा का शुक्र है कि मैं इस शैतानी चक्कर से निकल गया हूँ, अब मैं दोबारा इसमें नहीं फंसना चाहता। कादिम्बरी ने कहा, शहरयार हम दोनों इस वक्त मनहूस सरदार और अपने दुश्मन शंकर राव के इलाके में हैं और उसकी बदरूहें किसी भी वक्त हमें देख सकती हैं और हमें काबू कर सकती हैं। शहरयार बोला, मगर वो तो हमारे गायब हो जाने पर भी हमें देख लेंगी। कादिम्बरी ने कहा,
हम स्वामी जी का बताया हुआ अष्टमी मंत्र फूंक कर गायब होंगे, और तुम्हें मालूम ही है कि इस मंत्र की इतनी शक्ति है कि उसे पढ़कर जो गायब होता है उसे बदरूहें भी नहीं देख सकती। लेकिन हम कब तक गायब रहेंगे? शहरयार ने बेजारी से पूछा। कादम्बरी बोली, जब तक कि हम भारत की सरहद से निकलकर पाकिस्तान नहीं पहुंच जाते, क्योंकि जब तक हम भारत की फिजाओं में रहेंगे मनहूस भूत ने शंकर राव का खतरा तलवार बनकर हमारे सरों पर लटकता रहेगा। तो क्या पाकिस्तान में उसकी बदरूहें हमारे पीछे नहीं आ सकती? शहरयार ने पूछा। कादम्बरी ने कहा, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, वहाँ दिन में 5 मरतबा मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद होती हैं। पाकिस्तान की पवित्र फिजा में किसी बदरूह की मजाल नहीं के दाखिल हो जाए। शहरयार ने कहा, फिर तुम दरियाए जहलम के वीरान मंदिर के खंडर में महीने की एक खास रात को कैसे आ जाती थीं? तुम भी तो एक बदरू हो। कादम्बरी बोली, तुम भूल गए हो कि मैं बदरू नहीं हूँ, मैं एक जिंदा इंसान औरत हूँ। मुझे शक्ताल देवता ने ज़बरदस्ती बदरू बना दिया है, लेकिन मनहूस भुतना शंकर राव और उसकी साथी तो बदरूहें थी, वो कैसे पाकिस्तान की फिजा में दाखिल हो गई? शहरयार के इस सवाल के जवाब में कादम्बरी ने कहा, हम लोग भारत से ज़मीन के अंदर ही अंदर सफ़र करते हुए दरियाए जहलम के पुराने खंडर में पहुंचती थीं, इसलिए हमें पाताल की बदरूहें भी कहा जाता है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ सिर्फ भारत की सरहद तक ही जाऊंगी। जब पाकिस्तान की पाकीज़ा सरहद शुरू होगी तो मैं तुमसे जुदा होकर वापस आ जाऊंगी। ये कहते हुए कादम्बरी उदास हो गई, शहरयार भी उदास हो गया। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। शहरयार ने कहा, लेकिन हर महीने की सबसे तारीख यानी अमावस की रात को तो तुम दरियाए जहलम वाले वीरान मंदिर में आया करोगी ना? कादम्बरी ने कहा, अब नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं मनहूस शंकर राव की कैद से आज़ाद हो चुकी हूँ, और तुम भी उस मनहूस जगह पर कभी ना आना। शहरयार ने मोहब्बत के जज्बात से मगलूब होकर कहा, फिर तुम मेरे साथ पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाती? वहाँ हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। कादम्बरी कहने लगी, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन ख्वाहिश के बावजूद ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? शहरयार ने पूछा। कादम्बरी सर्द आह भर कर बोली, यह एक ऐसा राज है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इस तरह बातें करते हुए वह दरिया के किनारे चलते काफ़ी दूर आ गए तो अचानक कादम्बरी का वो गैबी हाथ जिससे उसने शहरयार का हाथ थाम रखा था ऐसे कांपा जैसे उसे बड़े जोर का धचका लगा हो। शहरयार ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ कादम्बरी? कादम्बरी का हाथ उसके हाथ से निकल गया था। कादम्बरी घबराई हुई आवाज में बोली, मुझे शंकर राव की जासूस बदरूहों की बू महसूस होती है, लगता है उसको हमारे फरार का इल्म हो गया है, ये बदरूहें हमें पकड़ने आ रही हैं। अब क्या होगा? शहरयार भी परेशान हो गया, क्योंकि वह गैबी हालत में नहीं था। कादम्बरी ने कहा, खामोश खड़े रहो, मैं अपने ऊपर और तुम पर शक्ति मंत्र पढ़कर फूंकती हूँ। शहरयार वहीं रुक गया। कादम्बरी का हाथ अपने हाथ से निकल जाने के बाद अब वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। उसे कादम्बरी के शक्ति मंत्र पढ़ने की आवाज़ आने लगी, फिर उसके चेहरे पर उसने फूंक मारी और एक बार फिर शहरयार गायब हो गया। उसे अपना आप नज़र आना बंद हो गया था, मगर गायब होते ही उसे कादम्बरी अपने सामने नज़र आने लगी थी। वो उस वक्त उसे शक्ति मंत्र पढ़कर अपने ऊपर फूंक रही थी। शक्ति मंत्र के फूंकने के बाद कादम्बरी ने कहा, अब हमें शंकर राव की बदरूहें तो क्या खुद शंकर राव भी नहीं देख सकेगा, मगर हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, हम पर कोई भी मुसीबत नाजिल हो सकती है। ऐन उस वक्त फ़जा में बदरूहों की चीखें सुनाई देने लगी। कादम्बरी ने शहरयार का बाजू पकड़कर वहीं दरिया के किनारे झाड़ियों के पास बिठा लिया और अपने होंठों पर उंगली रखकर सरगोशी में कहा, कोई आवाज़ ना निकालना। फिजा में अचानक बदरूहों के झुमघटे नमूदार हो गए। ये बदरूहें बड़ी बड़ी चिमगादड़ों की तरह फिजा में चीखती चिल्लाती शहरयार और कादम्बरी को तलाश करती फिर रही थीं। वो कई बार उनके सरों के ऊपर से डरावनी चीखों के साथ गोते लगाकर गुजर गईं, मगर शक्ति मंत्र के असर की वजह से वो शहरयार और कादम्बरी को ना देख सकीं। देर तक ये बदरूहें उनके ऊपर आसमान पर खौफनाक आवाज़ें निकालती मंडलाती रहीं। जब उन्हें शहरयार और कादम्बरी कहीं दिखाई न दिए तो थक हार कर इस तरह चीखें मारती वावेला करती जिधर से आई थी उधर ही को चली गईं।
उनके जाने के बाद शहरयार ने खुदा का शुक्र अदा किया। कादंबरी ने धीमी आवाज में कहा, यह शंकर राव की भेजी हुई बदरूहें थी, अब यहाँ ठहरना खतरनाक होगा। और वो शहरयार को लेकर वहाँ से शिमाल की जानिब परवास कर गई। रात का पिछला पहर था कि कादंबरी शहरयार को लेकर पाकिस्तान की सरहद पर पहुँच गई। वो दोनों मिट्टी के ऊंचे टिब्बे पर खड़े थे, दूसरी तरफ एक नहर बह रही थी। कादंबरी ने नीचे बहती हुई नहर की तरफ इशारा करके कहा, नीचे उतरकर तुम इस नहर के साथ साथ चले जाना, तुम पाकिस्तान पहुंच जाओगे। शहरयार ने कहा, लेकिन मुझ पर तुम्हारे शक्ति मंत्र का असर है, मैं इस जादू टोने की हालत में अपने पाक वतन नहीं जाना चाहता। कादंबरी कहने लगी, तुम जिस वक्त पाकिस्तान की पाक सरजमीन में दाखिल होगे तो ये जादू टोने का असर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। शहरयार के पीछे बुत परस्तों का और चुड़ैलों और बदरूहों और जादू टोने का कुफ्रिस्तान था, जिसे वो हमेशा के लिए छोड़ आया था, और उसके सामने एक खुदा, एक किताब और एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की पाकीज़ा पाक सरजमीन थी। कादंबरी ने उदास नज़रों से शहरयार की तरफ देखा और कहने लगी, जिस गुनाह से तुम तौबा कर चुके हो, अब उसका ख्याल भी कभी अपने दिल में ना लाना, और हाँ, इस वीरान खंडर में फिर कभी ना जाना जहाँ तुम्हारी मुसीबतें शुरू हुई थीं। अच्छा, अब मैं वापस चलती हूँ। शहरयार वाकई कादंबरी से मोहब्बत करने लगा था। फिर वो एक जिंदा लड़की थी जिसको ज़बरदस्ती बदरूह बना दिया गया था। शहरयार ने उसे कहा, कादंबरी तुम मेरे साथ चलो और मुसलमान होकर फिर मेरे साथ शादी कर लो। कादंबरी ने जवाब दिया, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी, इस वक्त मेरी कुछ मजबूरी है, मैं अपने गुनाह धोकर जल्द तुम्हारे पास तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी बनकर रहूंगी। इसके साथ ही कादंबरी ने शहरयार को टिब्बे की दूसरी तरफ धक्का दे दिया। शहरयार नीचे नहर में गिरा और फिर वो पानी में डूब गया और उसे कुछ होश ना रहा। और फिर जब शहरयार को होश आया तो उसको अपने जिस्म पर हल्की हल्की गर्माहट महसूस हुई। उसने आंखें खोल दी और उसने देखा कि वो अपने पूरे इंसानी जिस्म के साथ ज़मीन पर धूप में लेटा हुआ है। चारों तरफ पाक शफाफ धूप निकली हुई है। वो जल्दी से उठ बैठा। तमाम मनहूस मंत्रों और जादू टोने और बदरूहों के साए गायब हो चुके थे। उसका सीना नूर ईमान से रोशन हो रहा था। वो पाकिस्तान में था, पाक सरजमीन में था। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, कलमे पाक पढ़कर अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरे और शहर की तरफ चल पड़ा। वो एक कुशादा सी सड़क पर निकल आया। सड़क के किनारे दरख्तों के नीचे चाय की एक छोटी सी दुकान थी। एक आदमी बाहर कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। शहरयार ने उसके पास जाकर अस्सलामु अलैकुम कहा। उस आदमी ने वालेकुम सलाम कहकर शहरयार की तरफ देखा। शहरयार ने पूछा, भाईजान ये कौन सा शहर है? उस आदमी ने कदरे हैरान होकर कहा, यह लाहौर है, तुम कहाँ से आ रहे हो? लाहौर का नाम सुनते ही शहरयार का चेहरा मसर्रत से चमकने लगा। उसने कहा, भाईजान मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, ये बड़ी लंबी कहानी है। शहरयार ने अस्सलामु अलैकुम कहकर उस आदमी से हाथ मिलाया और एक नए जोश, एक नए वलवले और नेकी और ईमान की नई ताकतों के साथ सीना तान कर लाहौर शहर की तरफ चलने लगा, जिसकी बुलंदोबाला इमारतों में एक मस्जिद का मीनार दूर से सुनहरी धूप में रोशन सितारे की तरह चमक रहा था। कुछ अरसा बाद कादंबरी शहरयार के पास पहुंच गई। उसने बताया कि वो अपने तमाम गुनाह धो आई है और अब वो सिद्ध के दिल से इस्लाम कबूल करके एक अच्छी बीवी की तरह शहरयार के साथ रहना चाहती है। शहरयार उसे एक मुफ्ती साहब के पास ले गया और उसे मुसलमान करके उसका नाम जुबैदा रखा, और अब वो दो खूबसूरत बच्चों की माँ है। शहरयार ने शंकर राव का बुत बेचकर जो रकम हासिल की थी उससे वो कारोबार कर रहा है। खत्म शुद्ध।